तो बात करते हैं, जब आप साल की चौकटों को परचेज करते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चौकट का मेजरमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे, जब ये जो बैकग्राउंड में आप चौकट देख रहे हैं 8 फीट की चौकट है, जब आप चौकट को लगाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ है मनोबर जी और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो मनोबर जी, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, जैसे हम चौकट लगाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी सर, एक तो सबसे पहले तो सोल का जी, फिर इसका गुड़िया का, मतलब मेरे को थोड़ा सा करके दिखाओगे कैसे? एक बार जी सोल चेक करके दिखाता हूँ। ये सर देखो, ये ऐसे सोल डाल देता है, देखो सर ये सोल आ गई, ठीक है सर। और फिर हम इसकी पैमास करके इसको हम लेवल करेंगे। अच्छा, मतलब जैसे आपने ऊपर अटैच किया तो नीचे वाला पार्ट भी नीचे जी, टच में बिल्कुल सही है सर। सोल हो हाँ, फिर सर इसका लेवल करेंगे। अच्छा, लेवल कैसे? हाँ, करते हैं? लेवल सर वाटर लेवल से करते हैं। अच्छा, वाटर लेवल से करते जी। जो वाटर लेवल है वो किस लिए करते हैं? वो सर इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा डिसबैलेंस ना हो, इधर इधर झुका हुआ ना लगे या इधर ना झुका हुआ, बिल्कुल एक स्ट्रेट, या बिल्कुल एक स्ट्रेट दिखे, ठीक है। फिर अगली जो चौकट लगेगी वो इसकी इसी के आधार पे लगेगी। अच्छा, फिर सारी चौकट उसी के आधार पे चलेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमने सर सॉलिड माननी है, ठीक है। ये हमारी एक चौकट सॉलिड होगी, अब जितनी भी बिल्डिंग के अंदर चौकट लगी वो सब इसी के हिसाब से चलेगी। ओके, अच्छा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अब इसमें क्या है कि यहाँ पे तो ईंट की चिनाई हो रखी है और यहाँ पर जो प्लास्टर हो रखा है जी, जी। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपने हल्का सा गैप छोड़ रखा है और यहाँ पे बिल्कुल इसके फेस में, तो इसका मुझे कारण बताओ। सर ये इधर प्लास्टर है और इधर प्लास्टर नहीं हुआ अभी, तो ये और ये लेवल एक आ जाएगा। जब हम प्लास्टर करेंगे ना तो ये लेवल एक आ जाएगा। अच्छा, प्लास्टर के सामने थोड़ा सा जो है वो अंदर करके छोड़ रखा है कि होने का इसके फेस में आ जाए, ठीक है। ये प्लास्टर सर सोल नहीं है अभी, ये प्लास्टर भी सोल नहीं है, ये भी सोल करोगे? ये सोल करेंगे थोड़ा तोड़ के इसको, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा और क्या पॉइंट जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए? जी सर यही बस, पेंट का तो यही ध्यान रखना है, अगर साथ साथ चिनाई के साथ साथ चौकट लग जाए ना तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, मतलब जो चौकट है वो चिन्हाई के साथ साथ लग जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले जो चिनाई कर देते हैं और इसकी जगह छोड़ देते हैं और बाद में इसमें करके करते हैं, तो वो चीज उसकी वो कोई वो ठीक है लग जाती है, बाकी उसकी कोई मजबूती नहीं होती। मतलब अगर ये दीवार चिनाई हो रही है तो पहले चौकट लगाओ फिर उसके बाद इसमें चिनाई करो, ज्यादा बढ़िया रहता है ना। पहले चौकट लगाओ फिर चिनाई करो जी। अच्छा मनोबर जी, अब एक चीज मेरे को ये पूछना, जैसे होल पास के बारे में बात करते हैं, जैसे 8 फीट की चौकट है तो 8 फीट की चौकट में कितने होल पास लगते हैं, 7 फीट की चौकट में कितने लगते हैं, कितनी दूरी पे लगते हैं इस बारे में? सर 7 फीट हो या 8 फीट हो, तीन एक साइड में। अच्छा, 7 हो चाहे 8 हो, तीन हाँ, तीन ही लगते हैं, तीन ही लगते हैं सर। और इसकी गहराई लगभग कितनी रहती है? ये सर गहराई कम से कम 5 इंच, 5 से 6 इंच की जी। अच्छा एक बताओ, जैसे ये जो यहाँ से जा कर गई, ये जो घूम रखा है नीचे जी, ये इसका क्या फायदा? ये सर इसकी ये मजबूती है, RCC में आके हाँ। ये मजबूती में अकड़ जगड़ जाती है, एक ग्रिप कर लेता है, जी ग्रिप कर लेता है। ओके, अब जैसे इसमें आपने ये जैसे ये नीचे कर रखा है, ये ऊपर कर रखा है, इसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस है? सर इसका ये इधर को अपनी ताकत देगा, इधर को अपनी ताकत देगा सर ये। अच्छा, मतलब इसको मतलब जैसे ये एक दिशा में, तो दोनों एक दिशा में नहीं करने चाहिए? नहीं, कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम अपने इसी हिसाब से करते हैं। एक नीचे की हो तो एक ऊपर की तरफ, एक ऊपर तो ये ज्यादा बढ़िया जी। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये इसमें एक नीचे की तरफ आ रखा है, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे की तरफ आ रखा है ना। चलो ये भी हो गया। अब इसमें जैसे ये देखिए, इसमें जैसे होल पास का यूज कर रखा है, तो होल पास कितना गहरा होना चाहिए? ये सर होल पास तो ये हमारा कम से कम 3-2 फुट अंदर होना चाहिए, ताकि इस पे पेंट वगैरह करने से ये हमारा इसमें दिक्कत ना हो। देखो जैसे ये जा रहा है ना सर, हाँ। देखो जैसे बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, जैसे होल पास जो लगा हुआ है ना, कई लोग क्या करते हैं तो इसके फेस में कर देंगे, यहाँ से बाहर आएगा जी, जी, तो उसमें पेंट करेंगे तो अलग से चमकेगा, अलग से दिखेगा। इसमें हल्का सा अंदर करके कर दिया है कि इसके ऊपर भराव होकर के उसके ऊपर पेंट हो जाएगा, पूरा एक का एक आ जाएगी इसके ऊपर। वो बात अलग है कि आप इसके ऊपर अगर मतलब पॉलिश कर रहे हो या फिर टीक प्लाई की पेनलिंग कर रहे हो फिर तो छुप ही जाएगा, बाकी अगर पेंट करवाना है इसी के ऊपर तो फिर आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये जैसे लकड़ी लगी हुई है जी, ये जो लकड़ी लगी हुई है जी, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? सर ये तो इसके लिए है कि हमारी जो ये बदगुणियां ना हो, ये चीज है हाँ। ये और ये, तब हमारी ये सॉलिड हो जाएगी ना, सीमेंट से वो हो जाएगी, तभी से निकाल, तभी से हम निकाल सकते हैं। ओके, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री पर है? जी 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 बिल्कुल, ये ऐसे हल्की सी इधर उधर ना, ऐसा ना कि ऊपर से मान लिया 3 फीट हो रही है, नीचे से 2.5 फीट। हाँ सर ऐसा ही होता है, ये भी इसी के लिए है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे जो आप देख रहे हैं ना, ये बैक साइड है इसकी, अभी बैक साइड ऐसी है कि देखो आपकी बिल्डिंग मान लिया अगर 50 साल उम्र है तो ये बैक साइड कभी दिखने वाली नहीं है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आपका जो आपने बताया जो जापान पेंट हो गया और उसमें दीमक का तेल मिला करके इसके पीछे लगाना चाहिए है ना, इसकी लाइफ हो जाती है, लाइफ बहुत ज्यादा लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है इसकी, प्राइमर लग के पेंट हो जाती है, पॉलिश करा लो पेंट करा लो, पॉलिश करा लो चाहे पेंट, मतलब प्राइमर हो जाए तो बढ़िया रहता है। जी जी, प्राइमर हो गया लकड़ी खराब नहीं होती सर, जैसे लोहे पर प्राइमर करते हैं ना जंग नहीं आता, तो इसी तरह से लकड़ी पर प्राइमर होता है, चौकट की सेफ्टी रहती है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट? जी सर यही बस, यही मेन पॉइंट जी, यही मेन पॉइंट है।
अभी तक हमने ना ग्राउंड लेवल पे जो मिस्त्री थे उनसे बात कर दी, अब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। अब सबसे पहले तो हम कंपेयर करते हैं जो पुरानी जो कुछ जो चौकेटें निकली थी उसके बारे में और जो नई जो चौकेटें हैं उसके बारे में। तो दोनों को जो है कंपेयर करते हैं कि जो चौकेटें जो आज से 20-25 साल पहले जो चौकेटें लगती थी उनमें और आज में जो होल पास और जो लगाने की जो तरीके थे उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में। अभी देखिए ये ना पुरानी चौकेटें निकली थी जो 20-25 साल पुरानी जो चौकेटें निकली, अब देखिए इसमें देखिए जो आप होल पास यूज कर रखा ना काफी जो है देखिए लेंथ कितनी ज्यादा है इसकी, और इसके कंपैरिजन में जो आप देख रहे हैं ये जो है अभी अभी की चौकेटें लग रही हैं और अभी जो है होल पास जो है वो लगा पे, तो दोनों में आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना क्वालिटी का जो फर्क है। और दूसरा ये कि आप देखिए कि इसमें जो है पेच लगे हुए हैं, तो जनरली 1.5 इंची के पेच होता है तो इसमें इतनी मजबूती नहीं आती, तो इसके कंपेरिजन में आज जो देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपकी बोल्ट जो है इसमें लगे हुए हैं, तो बोल्ट जो आपके लगभग 3-4 इंची आते हैं जो बिल्कुल चौकट से आर पार हो जाता है, तो उसकी जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि चौकट का मेजरमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चौकट है वो रनिंग फिट में आती है। अब ये जो मेरे पीछे चौकट है साल की चौकट है जिसका मानते हैं कि प्राइस जो है लगभग 400 रुपए मानते हैं, 400 रुपीज रनिंग फिट है जो कि डबल पताम में, ठीक है। अब ये 8 फिट बाय 3 फिट की चौकट है, तो ये 8 फिट आ गया इधर और इधर 8 फिट आ गया और ऊपर आ गया 3 फिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से, तो 8 ही हो गया तो 8 और 8 हो गया 16 और ऊपर हो गया 3 तो ये हो गया 19। ये 19 में लेकिन ये नपेगी नहीं, ये 20 में नपेगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखेंगे एक्स्ट्रा जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से निकल रहा है, थोड़ा सा वहां से निकला हुआ है, हालांकि ये 2.5 से 3 इंची के अराउंड जो रहता है, लेकिन इसको जो है आपका एक जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास में जैसे मान लिया एक गैप चलता है, एक जैसे 6 इंची 12 इंची मान लिया 6 का 7 इंची होगा तो वो आपका 12 इंची नपता है, तो कुछ इसी तरीके का जो चौकट में भी खेल रहता है। तो 19 हो गया लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो निकल रखा है तो 19.5 हालांकि हो रखा है, लेकिन इसको जो है आपका 20 में जो है वो मेजर करा जाता है। तो ये 20 फिट जो है वो हो गया आपका 20 रनिंग फिट इंटू 400, यानी 20 इंटू 400 यानी कि लगभग हो गया आपका 8000। तो 8000 की आपको जो है एक चौकट ये पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आपकी चौकट का जो मेजरमेंट है उसको हम करते हैं। अब जो बात करते हैं जब आप साल की चौकटों को परचेस करते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल पतामे की डबल पतामे। अब जैसे कि हमें पहले से ही क्लियर था कि हमारी विंडो में जो है हमें फिक्स ग्लास लगाना है, ओपनेबल नहीं रखना है, तो उस कंडीशन में ऑलरेडी सिंगल पताम जो है वो यहाँ पर प्लेस करिए, क्योंकि रीजन क्योंकि सिंगल पताम और डबल पताम में प्राइस का बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, तो लगभग जो 50-60 रुपए स्क्वायर फीट का जो है वो वेरिएशन रहता है। तो अगर इस चीज की क्लैरिटी आपको स्टार्टिंग से ही रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, आपको ओपनेबल पल्ले लगाने या फिर फिक्स लगाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए कि आप फिर डबल बताम ही आप ऑर्डर करिए, क्यों, क्योंकि उसके बाद आपकी आपके दोनों फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगी। लेकिन अगर आपने सिंगल बताम ऑर्डर कर लिया और आपको खुलने वाले पल्ले चाहिए तो वो सिंगल बताम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में। तो देखिए अभी सिंगल बताम है तो सिंगल बताम का जो साइज है वो 5 इंची जो है वो जनरली रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ अगर उसमें डबल बताम में आपके दो पल्ले आपको खुलने वाले भी चाहिए तो फिर वहां पर आपको 6 इंची जो है वो लेना पड़ता है। अगर मैं इसकी थिकनेस के बारे में बात करूं तो लगभग जो है आपकी 5 इंची के आसपास जो है इसकी थिकनेस आ रही है। फिर सेकंड जो चीज है आपका ध्यान रखना है कि आपकी जो लकड़ी है वो साल है कि नहीं है। देखिए अब साल में भी देखिए 3 तरीके की आती है, एक तो आती है आपकी सेकंड की लकड़ी और एक आती है उससे नीचे की लकड़ी और एक आती है प्रीमियम की लकड़ी। अब जो प्रीमियम की लकड़ी आती है उसमें क्या होता है कि लकड़ी दोनों की साल होती है, लेकिन क्या होता है कि आपके जो वर्गे आते हैं ना, आपका मान लिया जिस लॉग में से आपकी लकड़ी निकल रही है वो जितना ज्यादा चौड़ा होगा तो उसकी जो क्वालिटी है वुडन की वो उतनी ज्यादा प्रीमियम होती जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि साल की लकड़ी को आप देख करके कैसे पहचान सकते हैं। देखिए अब दिखने में आप जो है इसके कलर को आप अच्छे से देखेंगे ना, तो जैसे आप एक कॉफी होती है ना आपकी कैपेचिनो का जो कलर होता है, इसकी लकड़ी का कलर कुछ इसी तरीके से ही होता है। अगर लकड़ी का जो है कलर कहीं से आपको जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, जैसे होता है ना चाय पत्ती अगर बहुत ज्यादा हो जाती है दूध में, तब जो आप चाय पत्ती के बाद जो चाय का जो कलर निकल जाता है वही कलर जो आपकी देसी साल का होता है। और इसके अलावा अगर मिक्सिंग अगर आपको दिख रहा है कि कुछ लाल कलर की लकड़ी एड ऑन कर रखी है या फिर लाल कलर जो है वो बहुत ज्यादा लाल टाइप हो, तो फिर वो हम कह सकते हैं कि वो आपकी देसी साल नहीं है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो कि आप देख करके इजीली जो है वो पता लगा सकते हैं कि आपकी देसी साल है कि नहीं है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और एक और चीज है कि साल की ना एक बेसिक क्वालिटी होती है कि वो फटी है, तो जो आप देख रहे हैं ना हल्के-हल्के जो क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, तो ये बहुत बेसिक है साल में, तो एक जनरल फीचर है। तो ये एक बेसिक फीचर है साल का और यही इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, बाकी हर पॉइंट ऑफ व्यू में साल जो है सबसे बेस्ट लकड़ी है। फिर नेक्स्ट चीज जो कि आपको ध्यान रखना है, देखिए इसमें हमने जहां सेफ्टी पर्पस से स्टील के जो है रॉड्स लगा रखे हैं, जब स्टील के रॉड्स आप लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर तरीके से कवर करवा लीजिए, क्योंकि होता क्या कि आप कवर नहीं करवाते हैं तो बाद में जब इसके ऊपर ना जब प्लास्टर होता है मिस्त्री प्लास्टर करते हैं तो वो चिपक जाता है, तो फिर उसको उखाड़ने में पत्ती से तो उखाड़ने में तो लेबर भी एक्स्ट्रा लगती है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब इसे उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर स्क्रैच भी पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से कवर कर देंगे तो आपकी आई थिंक पर कवरिंग में मैं अगर इस कवरिंग की बात करूँ तो आपके 250-300 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी लेबर और फिनिशिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएस की जो रॉड है इसके बीच की गैप के बारे में, तो गैप जनरली आपका आई थिंक 3 से 3.5 इंची का गैप रहता है सेंटर टू सेंटर,
और इसमें जो होल होते हैं ना, तो होल के भी जो है वो अलग से जो है वो जब आप चौकट बनाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो लेते हैं होल करने के भी। और तो इससे पहले की जो इसके प्राइजेस की जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी 4 इंची की दीवार है, अब उसमें अगर आप डबल बताम लगा रहे हैं ना तो उसमें एक ड्रॉबैक होता है। जैसे मान लीजिए आपकी 4 इंची की दीवार है, आप डबल बताम जो है वो 6 इंची आप लेकर के आएंगे, अब जब आप 6 इंची लगाएंगे तो 1 इंची एक तरफ से फालतू निकलेगी और दूसरी तरफ से भी आपकी 1 इंची फालतू निकलेगी। और जनरली आपका जो प्लास्टर होता है इंटीरियर वो होता है 1/2 इंची के आसपास। तो उस केस में क्या होता है कि ज्यादातर जो मिस्त्री क्या कलाकारी करते हैं कि वो वहां से तो मिलाने के लिए प्रॉपर 1 इंची का प्लास्टर कर देंगे, लेकिन उसके बाद आगे जाते जाते वो उसको जो है वो 1/2 इंची कर देते हैं, तो एक हल्की सी डबक आ जाती है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डबल बदाम बना रहे हैं तो आप 5.5 इंची से लेकर के 5.25 इंची तक ही उसको रखिए, ताकि ये जो समस्या वो ना हो। क्योंकि जब प्रॉपर लाइटिंग होती है तो आप देखेंगे कि चौकटों के साथ से एक लहर सी बनती हुई आपको जो नजर आएगी, एक बहुत ही गोल्डन पॉइंट है जो कि आपको कोई भी जो है वो यूट्यूब पे बताएगा नहीं। अभी नेक्स्ट जो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना, अब ये जो है कंप्लीट ये जो हमने चौकट का ऑर्डर दिया था उसका है, मैंने बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से जो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। अभी सबसे पहले देखिए 96 इंचेस बाय 30 इंचेस की एक चौकट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस के बारे में बात करेंगे। प्राइस बेसिकली आपके सिंगल बताम का जो है वो 2.5 इंची बाय 5 इंची का जो है 320 रुपये रनिंग फिट में, और 6 इंची बाय 2.5 इंची जो कि आप देख रहे हैं तो इसका जो प्राइस है वो है 370 रुपीज़। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले से ही क्लियर करके चलिएगा आपको सिंगल बताम चाहिए कि डबल बताम चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि आपको देखेंगे प्राइस का कितना वेरिएशन आ रहा है, तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्टिंग में जो वो आपको फर्क आ जाता है। तो आपको डबल बताम की जहाँ पे नीड है वहाँ पे डबल बताम लगाइए, सिंगल बताम की जहाँ पे नीड है वहाँ पे सिंगल बताम लगाइए। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं 96 इंचेस बाय 30 इंचेस यानी कि 8 बाय 2.5 की चौकट के बारे में। तो सिंपली अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में पहले। अब जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं ना, देखिए एक तरफ 8 फीट है दूसरी तरफ 8 फीट है, तो 8 + 8 हो गया 16, ठीक है। फिर एक तरफ है 2.5 मतलब 30 इंची है, तो 8 + 8 कितना हो गया 16, और 2.5 यानी कि आपका हो गया 8 + 8 16 और 2.5 18.5। अब आप कहेंगे 18.5 को 19 क्यों मेजर कर रखा है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो साइडों में ऊपर से जो निकली होती है ना दोनों तरफ, इसको भी जो है इसको एड ऑन करते हैं। अब फिर नेक्स्ट नीचे की तरफ आते हैं, और हालांकि 2.5 इंची निकली हुई होती है लेकिन इसे कंप्लीट जो है ये आपका 6 इंची में लेकर के चलता है। जैसे नीचे हम देखें कि 3 फीट बाय 8 फीट की यहाँ पर चौकट है, तो इसमें 8 + 8 16 और 3 19, और जो एक्स्ट्रा निकले तो सिर्फ 20 में कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आ रखा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे फिर एक विंडो है, तो ये विंडो भी आप जिसके बारे में अभी मैंने बात करी तो इसका भी यहाँ पर साइज आ गया, तो यहाँ पर ये भी 36 फीट की आ गई है रनिंग फिट में। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपका 38 + 40 + 36 114 आपकी रनिंग फिट में आ गई, जिसका प्राइस है 320 रुपीज और इसकी कॉस्टिंग हो गई 36,480। फिर नीचे की तरफ चलते हैं तो ये डबल पताम है, डबल पताम आपकी जो है वो अगेन की जो है वो 3 बाय 8 फीट की है, तो इसका भी अगेन मेजरमेंट वही हो गया 20 फीट, और ये 2 है ये 40 हो गया, तो 370 से मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे जो 3 नंबर है उसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि SS पाइप के सुराग या लगवाई, तो आप इसमें जो होल हुए हैं और जो लगाना इन्होंने अलग से जो है 306 रुपीज चार्ज करे हैं, और इसके ऊपर जो रैपिंग जो पॉली जो रैप हुआ है उसके 250 रुपीज अलग से चार्ज हुए हैं जो चार्ज इन्होंने करे हैं। फिर SS पाइप जो कि आपका लगभग 35 किलो के आसपास आ रहा है जो कि जिंदल का है 202 ग्रेड का, तो इसको जो है सिंपली जो है इन्होंने 200 रुपए से मल्टीप्लाई कर रखा है, जिसका प्राइस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन आपको दिख रहा होगा कि 7,000 समथिंग जो है वो यहाँ पे हो रखा है। तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग आपको जो है आ गई। तो इस तरीके से जो कोटेशन था मैंने एग्जैक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जिससे आपको ये पता चल सके कि किन किन चीजों के जो है वो अलग से जो है वो पैसे चार्ज करते हैं, और क्या जो है वो आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है देसी साल का जो कि प्रीमियम सेगमेंट की आपकी लकड़ी है। तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें मैंने आपके शेयर कर दी, और इस तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद आती है ना तो मेरे को लाइक करके जो है वो बताया करो, जिससे मुझे पता चल सके और मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको जो इस तरीके की वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है, जिससे कि मैं इसी तरीके की और वीडियोस जो आप लोगों के लिए ला सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।